हाय दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग अपने डे एंड का एंड करते हैं। पहले दिन का दिल्ली टूर का और एंड करते हैं हज़रत निज़ामुद्दीन मौलिया के दरबार। तो हम लोगों ने अपने शाम के वक्त चले गए थे हज़रत निज़ामुद्दीन मौलिया के दरगाह, क्योंकि पापा मेरे पापा कहते हैं कि अब जब भी आप अजमेर जाए कम से कम एक बार आप हज़रत निज़ामुद्दीन मौलिया के दरगाह में ज़रूर जाए। तो इसलिए हम लोग अपने दिन को ख़त्म करने से पहले सोचा कि चलो यहाँ पर भी हाजिरी लगा के चले, एंड देन हम लोग अपना अजमेर का टूर को कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखिए, ये है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह मुबारक, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने जा कर के हाजिरी दिया, अल्लाह से दुआ किया जगह जा कर के, और कहा कि अल्लाह ताला तेरे इस पाक दर पे आए हैं, आप अल्लाह से दुआ करें कि जो भी है तो पूरा हो जाए और जो दिल में वाजिब ख्वाहिशात है वो पूरा हो जाए। तो जस्ट यही गए, दुआ किए, और दुआ करने के बाद हम लोग दूसरे दिन निकल गए ख्वाजा गरीब नवाज के दर पे अजमेर शरीफ के लिए। तो चारों तरफ से मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह का हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह बना हुआ है। अच्छा खूबसूरत सा बना हुआ है, छोटा सा है लेकिन अच्छा खूबसूरत सा बना, छोटा नहीं है कहूँगा, बड़ा ही है, क्योंकि यहाँ पर कई लोग आते हैं। पिछले साल जब मैं आया था तो यहाँ उर्स चल रहा था नवंबर के वक्त में, और काफ़ी भीड़ थी। और यहाँ एक चीज़ है कि यहाँ पर आपको हर तरह के लोग मिल जाएंगे, गरीब भी मिलेंगे और कई दूर दूर से आते हुए मिलेंगे। और यहाँ मैंने मुस्लिमों से ज़्यादा मैंने हिंदुओं को देखा यहाँ अकीदा रखते हुए आते हैं, हर जात हर धर्म हर 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 मज़हब के लोग यहाँ पे आते हैं, जिससे जो होता है वो करते हैं, कोई कोई फूल चढ़ाता है, कोई चादर चढ़ाता है, तो जिसका जो जो मुराद जिसका जो कुछ हो वो चढ़ाते हैं। और चलिए हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं, जो दूसरी तरफ इनके हैं वो है मीर अमीर खुसरो का मज़ार। वो देखिए छोटा सा रेड सा मज़ार जो है वो अमीर खुसरो का। तो एक्चुअली अमीर खुसरो जो थे वो इनके शागिर्द थे। तो आने के लिए पहले अमीर खुसरो का मज़ार आया जाता है और देन इसका। ये आप ये जो मज़ार है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का, एक फ़िल्म है बजरंगी भाईजान, उसमें देखे होंगे कि सलमान खान या फिर मुन्नी जो रहती है वो इसी रास्ते से होते हुए जा कर के मज़ार में पहुंचती है, और वो दुपट्टा ओपट्टा ओढ़ती है तो समझ में आता है सलमान खान और कहीं ना कहीं को समझ में आता है कि अच्छा वो मुन्नी तो मुस्लिम है बजरंगी भाईजान का। तो यहाँ पर भी उस फिल्म का शूटिंग हुआ था। और भी कई फिल्म है, जैसे रॉक स्टार आप देखेंगे रणबीर कपूर का, तो उसमें भी जो एक गाना है मतलब कि वो गाना रणबीर कपूर का यहाँ पर फरमाया गया था, मज़ार के सामने ही फरमाया गया था, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह का पतली रास्ता है, पुराने टाइम का है ये सब सब रास्ता, इस तरह का आपको रास्ता मिलेगा। और कई फिल्मों में कई भी इसमें यहाँ पर शूटिंग भी हुआ है। तो मैं सोचा आपको बता दूँ, तो हम लोग गए थे तो ये सब चीज़ देखे। और ये दाहिने तरफ जो बावली है, पानी है, जो पहले इस्तेमाल की जाए करती थी, अब वो इसको बंद कर दिया गया क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा ही कचरा वहाँ पे फेंक देते हैं। और ये देखिए ये एंट्रेंस का रास्ता था, तो जाने से आपको मतलब कि एक तरफ से आपके निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह सामने मिलेगा, दूसरी तरफ से आपका अमीर खुसरो का दरगाह सामने, अमीर खुसरो वाला रास्ता ही। तो आई होप मेरे वीडियो पहले अच्छा लगे, चलाया जाता था अमीर खुसरो करें।